देखिए, दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है इस वक्त। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक है, तो वहीं पहाड़ों पर जमाने वाली ठंड लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा रही है। पारा माइनस में पहुंच चुका है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे है, यानी माइनस में। बठिंडा और जम्मू में कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम हो चुकी है। बात आगरा की जाए, उत्तर प्रदेश, तो आगरा में जीरो विजिबिलिटी की वजह से सड़क पर चलना काफी मुश्किल हो रहा है। हिमाचल के सोलन में तापमान, गौर करिएगा, -11 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि किन्नौर, कल्पा और शिमला में पारा -2 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं सोलन, मनाली, कल्पा, सुंदरनगर, भुंसूर, रिंगागापियू, कुफरी में माइनस में ही तापमान पहुंचने के कारण नदी नाले भी जमने लगे। तो अगले 3 से 4 घंटे बेहद घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है, यानी आप भी अगर सड़क पर निकल रहे हैं किसी काम के लिए बहुत सावधान होकर जाएं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, कई जगह पर तो 25 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी, यानी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। गाड़ियां आएंगी, नजर नहीं आती हैं और इसी में एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए सावधान रहें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सोलन और आसपास पारा देखिए -11 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन पूरे अगर उत्तर भारत की बात कर लें तो सर्दी का जो सितम है, डबल अटैक, कोहरा, विजिबिलिटी कम, सर्दी काफी, लोग काफी परेशान हैं। और आपके लिए भी यही सूचना है कि अगले 3 से 4 घंटे बेहद घने कोहरे होंगे, विजिबिलिटी कम होगी, लो होगी, इसलिए सावधान रहें। सड़क पर अगर आप चल रहे हैं या जाने वाले हैं तो एहतियात काफी बरतें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रात की नहीं है, दरअसल सुबह की है। विजिबिलिटी देख लीजिए, देश के कई हिस्सों की अगर बात करें तो ऐसे ही हालात अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे ही कमोबेश हालात हैं। तो पूरे उत्तर भारत के अगर लोगों की बात करें तो उनसे भी अपील। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, आपकी मौजूदगी कहां है? आसपास के तस्वीरों को भी आप दिखाएं और दर्शकों को जानकारी दें, और साथ ही ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है। देखिए, इस वक्त सेंट्रल दिल्ली इंडिया गेट के पास मैं मौजूद हूं और आपको दिखाता हूं यहां की तस्वीरें। सुबह का वक्त है 8 बजे का, लेकिन यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टेम्परेचर भले ही करीब 5 से 6 डिग्री के आसपास बता रहा है शुभांकर, लेकिन जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से और ज्यादा कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। लेकिन मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कई सारे ऐसे लोग हैं, ये देखिए, सुबह के वक्त जो यहां पर टहलने के लिए, ये शायद ठंड के मौसम में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुबह के वक्त पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर इधर की दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कर्तव्य पथ है और यहाँ पर सामने कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, जो यहाँ से आमतौर पर इस वक्त साफ नजर आता है, लेकिन कोहरा है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको आगे कोहरे की सफेद चादरें दिखाई देंगी। कोहरा अभी हल्का हुआ है, उसकी वजह यह है कि हवा चल रही है। ये हवा भले ही कोहरे को कम कर रहा हो शुभांकर, लेकिन इसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। लेकिन अभी भी देखिए, सुबह के 8 से ज्यादा बज रहे हैं, कई सारी गाड़ियां आपको दिखेंगी यहां पर दिल्ली के अंदर भी, जो अपनी हेडलाइट्स को ऑन करके चल रही हैं, ताकि जो विजिबिलिटी है वो बनी रहे और उनकी गाड़ियां नजर आए और उन्हें भी साफ नजर आए। और दूसरी तरफ अगर हम पूर्वानुमान की बात करें, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी अगले कम से कम 4 से 5 दिनों तक तो दिल्ली वालों को इस मौसम से, इस सर्द मौसम से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कोहरा भी पड़ेगा, हवा भी चलेगी और इसी तरीके से मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 4 से 5 डिग्री रहेगा। कुछ जगहों पर तो शुभांकर, जो आलम ये है दिल्ली का कि पहाड़ों से भी कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, आपके साथ मैं आशुतोष मौजूद हूं। और देखिए, दिल्ली के कई इलाकों की अगर तस्वीरों को भी हम दिखा दें, देश के अलग अलग हिस्सों की, वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में अभी 25 मीटर विजिबिलिटी है, जैसा कि हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। हिमांशु मिश्रा भी लगातार इंडिया गेट पर उनकी मौजूदगी है। अब देखिए जरा 4 तस्वीरों पर गौर फरमाएं, दिल्ली, कानपुर, दरभंगा, उत्तरकाशी, यानी कि ये जो 4 अभी राज्य हैं उनके जगहों की ये तस्वीरें हैं, यानी दिल्ली, कानपुर, दरभंगा, उत्तरकाशी, कमोबेश एक जैसे ही हालात हैं। लोग बहुत परेशान हैं और इनका सहारा कौन बन रहा है? तो अलाव, अलाव के सहारे ये अभी दिन और रात काटने को मजबूर हैं।